तो दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोलर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पर और हम हाजिर हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 1x1 प्रोडक्ट के बारे में, कैसे ये काम करता है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी यहाँ पर मेरे दोस्त लोग फ्रेंड यहाँ पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आगे और काम करने की। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं 1x1। तो दोस्तों ये नया प्रोडक्ट है बैटरी चार्जर। इससे आप दोस्तों कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं ग्रिड के थ्रू। ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का बैटरी चार्जर है, कह सकते हैं एक पावर सप्लाई भी कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली ये जो है 12 वोल्ट का 10 एम्स का बैटरी चार्जर है। इससे दोस्तों कोई भी बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो बैटरी लिथियम आयन हो या फिर लिथियम फॉस्फेट हो या फिर लेड एसिड हो, निकल कैडमियम हो, किसी भी टाइप की बैटरी हो आप उससे चार्ज कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे, आप कैबिनेट दे सकते हैं, किसी इसकी फिनिशिंग है आप देख सकते हैं, और ये कूलिंग फैन का पॉइंट है। ये कूलिंग फैन है जो इसको कोइल करता है, और ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इसमें लो एंड हाई चार्जिंग है। तो ऊपर रहेगा स्विच तो हाई चार्जिंग है, नीचे इसको करेंगे तो लो चार्जिंग से, लो एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ये फ्यूज़ है दोस्तों, मेन से कुछ अगर गड़बड़ होगी आपके सर्किट में तो फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा, उसकी सेफ्टी के लिए है। और ये इसकी मेंस की केबल है, आप देख सकते हैं मेंस की केबल जो प्लग आपको प्लग इन करना है मेंस वाले में। ये बैटरी चार्जिंग के दोस्तों प्लस एंड माइनस वायर है, थिम्बल लगा हुआ है इसमें, बहुत हैवी थिम्बल है। तो थिम्बल के साथ ये आती है केबल, बहुत हैवी तार लगा है, मैं आपको उसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये मैंने जो मेंस की केबल खोल दी है, ये देखिए कम से कम 1.5 मीटर की वायर है। तो इसकी टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे। तो इसकी पैकिंग है आप देख सकते हैं, इस बॉक्स पैकिंग में आएगी, कितनी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स आप देख सकते हैं। ये इसकी पैकिंग है, इस पैकिंग में ये प्रोडक्ट आएगा जो बैटरी चार्जर है। मेरे पास दोस्तों अभी जो बैटरी अवेलेबल है लिथियम फॉस्फेट बैटरी है। तो दोस्तों आपको मैं लिथियम जो फॉस्फेट बैटरी LiPo4 वो इस चार्जर से आपको चार्ज करके दिखाऊँगा। और दूसरी बैटरी मेरे पास है ये SMF बैटरी है Amaron की क्वांटा, तो इसको भी मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। लेड एसिड बैटरी है SMF में, ठीक है। तो सिस्टम मैंने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, डिस्प्ले में दोस्तों चार्जिंग करंट भी आता है और वोल्टेज भी दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेड एसिड बैटरी चार्ज करके दिखाऊंगा इस चार्जर से। तो माइनस मैंने लगा दिया, पॉलरिटी हमेशा जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आप देख के लगाएं, माइनस वाला माइनस पे, प्लस वाला प्लस पे। और ये क्लाइम मीटर है दोस्तों, ये हमको बताएगा कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। ये चार्जर के डिस्प्ले में भी आएगा बट क्लाइम मीटर भी लगा लिया, दोनों से हमको पता चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों 10 एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में 9.9 10 एम्स बैटरी लगा दी है, 10 एम्पियर से पूरे से चार्ज कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई भी चार्जर आप देखते हैं 10 एम्पियर का तो 6 या 7 एम्पियर से करता है। ये हमारा एग्जैक्ट चार्जर है, 10 एम्पियर है तो 10 एम्पियर से ही चार्ज करेगा, कोई मतलब जो दिखाना मतलब दिखा रहे हैं 10 वो ऐसा कुछ नहीं है। तो बैटरी चार्ज होने लगी है तो धीरे धीरे जो चार्जिंग करंट है कम होगा, जैसे जैसे बैटरी वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे चार्जिंग करंट कम होगा। तो देख सकते हैं 8.3 एम्पियर हो गया, और डिस्प्ले में देखेंगे तो 8.3 एम्पियर है। दोनों आप देख सकते हैं डिस्प्ले और उसमें सेम मैच कर रहा है, पूरा प्योर 10 एम्पियर का चार्जर है दोस्तों, कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, पूरा 12 वोल्ट 10 एम्पियर का चार्जर है। तो मार्केट में आप देखते हैं जो मिलते हैं और कंपनियों के तो 12 वोल्ट 10 एम्पियर कह के लिख के देते हैं, बट वो 5 या 7 एम्पियर से ज़्यादा चार्ज करते नहीं है। तो हमारा पूरा 10 एम्पियर का है। तो अब मैं दूसरी बैटरी लगा रहा हूँ लिथियम फॉस्फेट, तो उसको भी चेक करेंगे कि इसको चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा है। पहली बैटरी तो हमने देख ली, तो कनेक्शन में कर रहा हूँ इसके। पॉलरिटी हमेशा दोस्तों देख के लगाएं, प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। तो कनेक्शन मैंने कर दिया है प्लस का, माइनस वाला मैं लगा रहा हूँ। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट है इसका। सर्किट बहुत हैवी है, आप स्विच देख सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का। तो नेगेटिव वाला कनेक्शन कर रहा हूँ, इसका करंट देखेंगे कितना चार्जिंग करंट आता है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। मैंने कनेक्ट कर दिया 6.2, दोस्तों देख सकते हैं डिस्प्ले में 6.2 जा रहा है, और आप देख सकते हैं क्लाइमेंट पर भी लगभग वही 6.7 6.2 जा रहा है। तो बैटरी अभी 6.2 ले रही है क्योंकि बैटरी ये चार्ज है। तो मैं मेरा दिखाने का यही मकसद था कि आपकी लिथियम फॉस्फेट बैटरी भी चार्ज हो रही है, लेड एसिड बैटरी आपको भी दिखाई है मैंने वो भी चार्ज हो रही है, निकल कैडमियम भी चार्ज कर सकते हैं आप, और आपके पास अगर लिथियम आयन बैटरी है तो वो भी चार्ज कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको परचेज़ करने से पहले बताना होगा कि आपको लिथियम आयन चाहिए, लिथियम फॉस्फेट चाहिए, वो आपको बताना होगा। तो दोस्तों ये एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मतलब बेस्ट क्वालिटी में लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मतलब कह सकते हैं बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत कम दामों में। तो ये मात्र 1600 1650 का प्रोडक्ट है रिटेल में,
अगर आपको क्वांटिटी में चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बिजनेस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट है नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें। और रिटेल प्राइस मैंने बता दिया, मात्र 1650 रुपये का ये प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इस दाम में आपको 10 एम्पीयर का 12 वोल्ट का चार्जर नहीं मिल सकता, जो कि लिथियम आयन बैटरी, लिथियम फॉस्फेट बैटरी या फिर लेड एसिड बैटरी, कोई भी बैटरी चार्ज करें। सो प्लीज़, आपको अगर कोई इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।